हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। स्कॉच गैम्बिट के बारे में आज जो दूसरा वीडियो है, पार्ट टू। दिस इज अ पार्ट टू ऑफ स्कॉच गैम्बिट, हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्कॉच बेस। दोस्तों, स्कॉच गैम्बिट नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको स्कॉच गैम्बिट के सामने कैसे खेला जाए ये देखना है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था e4, e5, knight f3, nc6, d4, e takes d4, bishop c4, bishop c5, then c3, black played knight f6। और लास्ट वीडियो में कुछ अलग वेरिएशन आपको दिखाए थे, आज हम देखेंगे e5 एडवांस वेरिएशन। knight f6 के बाद e5 ज्यादातर व्हाइट प्लेयर खेलते हैं, इसलिए इस वेरिएशन को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है d5, काउंटर अटैक करना है, और इसमें दोनों तरीके से ब्लैक को ही एडवांटेज मिलेगा। कैसे मिल रहा है दोनों लाइन देख लेते हैं। जो मेन लाइन है बिशप टू b5, इसमें मेन लाइन bb5 होता है। साइड लाइन जो है e takes f6, पहले देख लेते हैं साइड लाइन दोस्तों। e f6, यहाँ पे आपको करना है d cross c4। सेंटर आपका बहुत ही पावरफुल हो रहा है। वाइट खेलेगा पॉन टेक्स पॉन, रुक टू g8। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे ये पॉन आपके लिए हेडेक बनेगा, लेकिन ज्यादा देर तक ये पॉन रहने वाले नहीं है। तो देखते हैं बिशप h6, इस यहाँ से भी वाइट के पास दो ऑप्शन है, एक तो बिशप टू h6 और दूसरा बिशप g5। पहले देखेंगे बिशप h6। बिशप h6 में आपको रिप्लाई देना है qf6। वाइट खेलेगा qe2 और यहाँ पे आपको बिशप इंटरपोज कर देना है, और बिशप टू g5 सिंपल क्वीन टेक्स पॉन। वाइट करेगा शॉर्ट कैसल और यहाँ d3 के बाद क्वीन e2, लेकिन ये पोजीशन कंप्लीटली ब्लैक की फेवर में है। कैसल के बदले व्हाइट सपोज g3 करता है, इस पोजीशन में g3। दोस्तों, आइडिया क्या है g3 में ये देखना है। अगर व्हाइट ने यहां पे कैसल कर लिया, आप खेलोगे d3, क्वीन टू e4, और इसके बाद सिंपली h6, आफ्टर बिशप h4, क्वीन g2 चेकमेट है। तो यहां पे व्हाइट को एक पीस देना पड़ेगा, कंपेंसेशन कुछ नहीं मिलेगा और पूरा पीस लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कैसल से पहले व्हाइट अगर ट्राई करता है g3 करके बिशप को सेव करने के लिए, तो यहां सिंपल आपको करना है h6, बिशप मानो कि f4 जाता है, तो यहां पे बाद में d3। तो दोस्तों, ये भी जबरदस्त पोजीशन है। इसके बाद बिशप टू g4 कैसलिंग, लॉन्ग कैसलिंग करने के बाद दूसरा वेरिएशन देखते हैं। नाइन्थ मूव में बिशप h6 के बदले व्हाइट अगर ट्राई करता है बिशप टू g5, यहां आपको करना है f6, क्वीन e2, यहां आपको क्वीन टू e7, आफ्टर बिशप f6 यू कैन सिंपली एक्सचेंज द क्वीन, किंग टू, उसके बाद एक बेस्ट मूव है बिशप टू g4। व्हाइट नाइट d2 से सपोर्ट बढ़ाएगा, यहां पे d3 चेक, और आफ्टर किंग गोस एनीवेयर यू कैन सिंपली एक्सचेंज फर्स्ट वन ऑफ नाइट, और उसके बाद क्वीन टू f7। तो ये भी पोजीशन कंप्लीटली ब्लैक की फेवर में रहेगी। अब आते हैं मेन लाइन के ऊपर। मेन लाइन क्या है? ई एफ सिक्स के बदले बिशप बी फाइव।
बिशप बी फाइव ये थोड़ी सी व्हाइट के लिए बेटर मूव है। ई एफ सिक्स मेरे हिसाब से कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में गेम आ जाती है। तो बिशप बी फाइव ये मेन लाइन है, यहां पे आपको मैं रिस्पॉन्स दूंगा नाइट ई फोर। अब व्हाइट खेलेगा सी क्रॉस डी फोर और सिंपल बिशप बी सिक्स। अब नेक्स्ट में हमारा प्लानिंग है बिशप टू जी फोर और कैसलिंग देन डिस्ट्रॉय द सेंटर। व्हाइट इसके रिप्लाई में क्या दे सकता है, तो बिशप ई थ्री जो डी फोर पॉन को प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ पे बोथ साइड कैसल, ब्लैक भी कैसल करेगा व्हाइट भी कैसल करेगा। उसके बाद बेस्ट मूव है एफ फाइव। अब यहाँ पे अगर व्हाइट ने एन पास से कैप्चर कर लिया, देखो यहाँ दो मूव है व्हाइट के पास बेस्ट मूव, एक तो हमारी जो थ्रेट है एफ फोर की, तो यहाँ पे व्हाइट खेल सकता है ई क्रॉस एफ फाइव। यहाँ आपको नाइट एफ सिक्स करना है, व्हाइट क्वीन सी टू, यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन डी सिक्स क्योंकि इस नाइट के ऊपर डबल अटैक है। आफ्टर नाइट डी टू बिशप डी सेवन और ऐसे सिंपल आप गेम डेवलप करके अच्छे से खेल सकते हो। सेंटर भी कंट्रोल में है और एफ फाइल कंप्लीटली आपके हाथ में है, कभी भी रुक टेक एफ थ्री सेक्रीफाइस आ सकता है। दूसरा वेरिएशन देखते हैं कि अगर व्हाइट ने नाइट डी टू के बदले नाइट सी टू किया, सपोज नाइट सी थ्री, दोस्तों यहाँ एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग मूव है नाइट जी फोर। इस पोजीशन को याद रखिए, नाइट डी टू और नाइट सी थ्री में क्या डिफरेंट है। नाइट डी टू क्या करता है, अपने इस एफ थ्री वाले नाइट को सपोर्ट करके डेवलप होता है और नाइट सी थ्री जो एफ थ्री वाले नाइट को प्रोटेक्शन नहीं करता है, तब आपकी नजर सीधे एफ फाइल पे होनी चाहिए। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है नाइट जी फोर। नाइट जी फोर अब आपका जो थ्रेट है क्वीन एफ थ्री देन क्वीन टू एच टू चेकमेट। अब इसका रिप्लाई एक ही है दोस्तों, खास करके एच थ्री। अब मैं आपको शॉकिंग मूव बताऊंगा, सरप्राइज मूव रुक टू एफ थ्री। रुक एफ थ्री पॉन टेक्स एफ थ्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन एच टू इज अ मेट। तो यहां पे व्हाइट के पास बेस्ट रिप्लाई है एच क्रॉस जी फोर। अब देखो एक और जबरदस्त मूव आता है नाइट टेक्स डी फोर। नाइट डी फोर में बिशप टेक्स डी फोर क्योंकि क्वीन पे अटैक है। बिशप टेक्स डी फोर अगेन आपने रुक सेक्रीफाइस किया है। अब देखो व्हाइट ने अगर आपका रुक ले लिया तो यहाँ पे क्वीन जी थ्री चेक। अब व्हाइट के पास ओनली ऑप्शन है किंग एच वन क्वीन एफ थ्री चेक आफ्टर किंग जी वन क्वीन जी फोर चेक किंग एफ थ्री क्वीन एफ थ्री चेक। और यहां पे दोस्तों मेट की प्लानिंग है क्वीन चेक आफ्टर किंग गोज हियर क्वीन चेक। और एक बार आपको यहां पे वेटिंग मूव करना पड़ेगा दिस चेक और यहां पे कंट्रोल करके बिशप टू। हाँ दोस्तों एक मूव यहां भी है कि ये चेक के बाद यहाँ क्वीन लाइक क्वीन एफ फोर चेक देते हो यहाँ पे आप और उसके बाद में बिशप सेक्रीफाइस किंग टेक्स बिशप और क्वीन चेक किंग गोज टू डेट एंड क्वीन ई फाइव चेक किंग जी वन क्वीन जी फोर चेक और क्वीन एच थ्री चेक देन क्वीन एच टू चेक। तो इस तरीके से कुछ मूव्स कैलकुलेट करके आप यहाँ पे कंपलसरी वाइट की मेट कर सकते हो क्योंकि किंग ओपन है और क्वीन भी सबसे आराम से मेट हो सकती है। जरूरत पड़ने पर अगर सामने वाले के पास कुछ मूव्स मिल गया है तो आप बेफिक्र होकर रुक एफ एट टू रुक को लिफ्ट करके यहाँ से आराम से चेकमेट कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त पोजिशन है, पीस सेक्रीफाइस आपके दो दो पीस है लेकिन आराम से आप ये गेम विन कर रहे हो। कंप्यूटर भी इसमें ब्लैक को कंप्लीटली विनिंग बता रहा है।
दोस्तों स्कॉच गैम्बिट में और भी बहुत सारे वेरिएशन है, अगले वीडियो में मैं और दिखाऊंगा आपको। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।